इंडिया में कोविड की वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में काफी सारे सवाल व कई सारे भ्रम हैं। कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में कई सारे अस्थायी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फीवर आना, सिरदर्द होना या फिर थकान होना। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसे में लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ में दिखाई दे रहा है, कुछ में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि जिनके में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में केवल ये कोरोना की वैक्सीन असर कर रही है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और हम कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों को आज इसकी क्या सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर बुखार क्यों आता है, इसलिए दिखते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं, लक्षण ना दिखे तो क्या वैक्सीन बेअसर है। इसमें कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग भी हो रही है, तो ये इसमें कितना फैक्ट है, क्या फैक्ट है इसका, या फिर सीरियस साइड इफेक्ट होने पर क्या करें। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्यों दिखते हैं साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो दो भाग में काम करता है। सबसे पहला क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन लगाई जाती है, तो उस समय क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है, और जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ, ये तुरंत उस जगह पर दौड़ लगा देती हैं ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर किया है उससे लड़ा जा सके। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि वैक्सीन कैसे बनती है। वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है कि वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो बीमारी का कारण है, उसी के निष्क्रिय पार्ट को ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वही वैक्सीन होती है। ये कोई पर्टिकुलर दवा नहीं होती है कि आपकी बॉडी में जाते ही असर कर देगी। तो ऐसे में होता क्या है कि सपोज वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन तो तुरंत होगा क्या कि हमारे इम्यून सिस्टम तुरंत सक्रिय होकर के, और जो हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, होता क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन से लड़ना। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में एंटर करता है तो तुरंत वाइट ब्लड सेल्स वहां पे पहुंच जाती हैं। अब इतनी जल्दी में ये काम होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, और इसी स्वेलिंग की वजह से जो साइड इफेक्ट्स जो अस्थाई दिखाई देते हैं, कुछ लोगों में बुखार, कुछ लोगों में सिरदर्द, कुछ लोगों में थकान, या फिर कुछ लोगों में कुछ भी नहीं, तो इस तरीके का होता है। ये हो गया पहला भाग, साइड इफेक्ट्स इसीलिए दिखते हैं। तो इस तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर असर दिखे तो वो बहुत खतरा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वैक्सीन दोनों तरीके से असर करेगी, मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगी। दूसरा, जान लीजिए कि लक्षण न दिखे तो क्या वैक्सीन बेअसर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे में तो लक्षण ही नहीं दिखाई दिया, अब तो वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा एज पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपने देखा होगा आजकल के जितने भी युवा हैं उनके अंदर जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है ज़्यादा सक्रिय होता है। उनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं उनके में थोड़ा कम साइड इफेक्ट हो रहा है। तो एज का भी काफ़ी मतलब यहाँ पे मैटर करता है कि इम्यून सिस्टम जो थोड़े युवा लोग हैं उनका ज़्यादा सक्रिय है, तो इस तरीके से उनके में इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है। और जितने भी थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं उनके में क्या है, थोड़ी सी इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, इस वजह से क्या होता है, लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके अंदर वैक्सीन लगाई जाए कोई लक्षण ना दिखे तो ये बेअसर है, लेकिन लोगों के मन में यही र्यूमर है, अफवाह यही फैलाई जा रही है कि जिसको कोई असर नहीं दिख, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें वैक्सीन बिल्कुल बेअसर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भ्रम बिल्कुल ना पालें। इम्यून सिस्टम का हमारा दूसरा भाग यही है कि इम्यून सिस्टम वैक्सीन लगने के बाद ही एंटीबॉडी बनाने का काम शुरू कर देता है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है, मैंने बताया कि वैक्सीन कोई दवा नहीं है जो आपने लगाई और दूसरे दिन से आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, इसको लगने में काफ़ी समय लगना है। तो इस तरीके से है कि इम्यून, अगर आपके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना दिखे वैक्सीन लगाने के बाद तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है और वो एंटीबॉडी बनाने का काम बिल्कुल बेखूबी करता है। नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। कुछ लोगों में ऐसा भी है कि ब्लड क्लॉटिंग देखने की मतलब लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनके में ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा है। तो जानकारों का ये भी कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ऐसा नहीं होगा कि आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक
की समस्या अगर आपको देखनी पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमारी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को फर्स्ट या सेकेंड डोज लगने के बाद क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो जा रही है। तो ऐसे में भी बिल्कुल भ्रम ना पालें, ऐसा आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा कि बिल्कुल आपके जान पे खतरा आ जाए। और देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग तो नॉर्मल बीमारियों में भी लोगों को हो जाता है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी इस चीज़ से न डरें, क्योंकि इसका जो भी साइड इफेक्ट है इसके असर से आपका बहुत ही कम है, इसका असर वैक्सीन का बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो इससे बिल्कुल ना डरें। अब है कि सीरियस साइड इफेक्ट होने पर क्या करें, कई लोगों में है कि बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या करें। वैक्सीन लगाने के बाद होता क्या है कि लोग आमतौर पे बोलते हैं थोड़ी देर वेट करने के लिए, ताकि अगर कुछ भी साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत उसका पता लगा करके उसको ट्रीट किया जा सके। तो इस तरीके से डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए वैक्सीन लगवा करके, किसी भी आप सेंटर पे गए हुए हैं तो थोड़ी देर आप वेट कर लें। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके अंदर कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो आप उसको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा लें। और अगर आपको घर पहुंचने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, या फिर कई लोगों में सांस लेने की दिक्कत वगैरह भी आने लग जा रही है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सजेशन लें और तुरंत ट्रीटमेंट करवा लें। ऐसे में आपकी अगर सीरियस कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से ट्रीट किया जा सकेगा। तो ये है वैक्सीन को लेकर के, बिल्कुल भी डाउट में न रहें कि ये असरदार है या नहीं है, असर करेगी या नहीं, या फिर साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है, और साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वैक्सीन बिल्कुल बेअसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आपके साथ आपके घर के लोगों की भी बात है, घर के लोगों को भी अवेयर करिए इस बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि लोग वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि थर्ड वेव की भी कई सारे कंट्रीज़ में, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे स्टार्ट ये हो चुका है, ब्रिटेन वगैरह में बहुत सारे केसेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस ऐसे में आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, तो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को भी, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट और र्यूमर है वैक्सीन को लेकर के। थैंक यू सो मच।